विश्वास दिया कि सेंटर में एयर शेड्यूल में वो राजस्थानी वो शीत वर्षाकालीन सत्र में शामिल शेड्यूल में नहीं हो। इसका अभी अभी ताजा उदाहरण है झारखंड से चार भाषा उसमें मगही भोजपुरी मैथिली और अंगिका हमारे राज्य सरकार ने रिकमेंड कर भेजो तो थोड़ो भाषा समझो आप समझते हैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन के साथ आप भेजो कि भाई इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को सवाल है आज़ादियों आज तक अधूरा है। आज़ादी के टाइम भी गुजराती ने मान्यता देवण के मामला में और हिंदी की मान्यता खातिर राजस्थानी की बलि दे दी। आज अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है तो आपने राजस्थान का जखा टाबर है वह टाबर IAS में 600 नंबर को एक पेपर भाषा रो नहीं ले सके और बी वजह अपना IAS IPS में लड़का ला रहे इन तरह ही RAS के मायने भी अगर राजस्थानी को एक पेपर वे तो बहुत ज़रूरी है कि अपना टाबर राजस्थानी लेवे तो बह निकल जावे। दूसरी बात आ है कि अबार झारखंड सरकार चार भाषाओं ने आपकी प्रदेश की द्वितीय भाषा रो दर्जो दियो है जबकि संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो मारी मांग है कि राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा ने राज्य की दूसरी भाषा को दर्जो देवे। एक बात और है कि जका युवक मारे साथ जुड़ोड़ा है बे एक नारो दियो है कि मारे मन में खोट नहीं भाषा नहीं तो वोट नहीं। दूसरो नारो दियो है पहली भाषा पछे वोट के जहाँ डंकेरी चोट और तीसरे में मारे मुंडा के तालो लागो मैं मारी भाषा में बात नहीं कर सका मारी भाषा में अर्जी नहीं लिख सका मारी भाषा में परीक्षा नहीं दे सका वो अन्याय कब तक चाले। आज अगर राजस्थानी ने द्वितीय भाषा को भी दर्जो मिल जावे तो 5 लाख लड़का बेरोजगार है जगह नौकरी लग जावे। सरकार में बैठा रहा लोग मुख्यमंत्री ने और दूसरा लोगों ने बरगलावे कैसा भाषा की मान्यता की कट जरूरत है। राजस्थानी भाषा को प्रस्ताव विधानसभा सर्वसम्मति 2003 में पास कर और केंद्र में भेज दियो तो विधानसभा में तो पास जोड़ो सिर्फ मंत्रिमंडल ने पास कर और ऑर्डिनेंस जारी करना है। इन वास्ते मैं सगला कलेक्टरों के जारियाँ सगला कलेक्टरों के थ्रू मुख्यमंत्री ने ज्ञापन भेज रिया और बटे का जका युवक है बेरोजगार है वहाँ युवकों के भला वास्ते आपने राजस्थान की भाषा के भला वास्ते मैं वो काम कर रहा। बीकानेर नागौर बाड़मेर और जालौर कालदिया इस तरह ही अजमेर गंगानगर हनुमानगढ़ काफ़ी जगह की सूचना है। हाँ मैं 19 तारीख ने रामलीला मैदान दिल्ली में अमरण अनशन पर बैठो 12:15 बजे बैठो 3 बजे राजनाथ सिंह जी बुलाया और मैं क्यों कि बार न तो पार्लियामेंट चल रही है मारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है फिर मैं मारो बजट ही पास नहीं करा सके यहाँ तो इन वास्ते माने वर्षाकालीन सत्र तक की छूट दो। मैं माने मारो प्रतिनिधि मंडल गयो 11 सदस्यों को अर्जुन राम मेघवाल के साथ है तो मारी बात ने मैं लोग मानी और शीतकालीन सत्र जो आई वर्षाकालीन सत्र जो आई भी सत्र में अगर राजस्थानी को नाम नहीं हुई तो आपने मारवाड़ी में कहे राजस्थानी में कहे वो ही कबाड़ो वो ही डांडो मैं पाचा आमरण अनशन पर बैठूंगा।